छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले ने 100% लोगों को पहली डोज लगाने का रिकॉर्ड बना है। रायगढ़ के ब्लॉक में 18 प्लस और 45 प्लस आयु वर्ग के सभी को वैक्सीन की पहली डोज लगी है। रायगढ़ जिले के महाअभियान चलाकर एक दिन में 1,40,000 लोगों को वैक्सीन लगाई गई थी। बिलासपुर में सरकारी राशन दुकान से चावल और शक्कर चोरी करने की शिकायतें आ रही है। कुछ दिन पहले चकरभाटा पुलिस ने एक व्यक्ति को 40 बोरी चावल ले जाते पकड़ा था। लक्ष्मी राइस मिल के मालिक जिला कांग्रेस महामंत्री गौरव अग्रवाल के चकरभाटा पुलिस ने उनके खिलाफ FIR दर्ज कर दी है। बस्तर के शिक्षक प्रमोद कुमार शुक्ला को शिक्षा मंत्रालय ने इस साल राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2021 के लिए चुना है। अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के मौके पर पुरस्कार प्रदान करेंगे। इस साल देश भर से 44 शिक्षकों को चुना गया है। सुकमा में गांजा तस्करों के खिलाफ पुलिस ने एक बड़ा अभियान चलाया, जिसके बाद एक महीने में 7 अलग अलग मामलों में तस्करों से करीबन 1,000 किलो गांजा जब्त किया जा चुका है। तस्करों के पास से 6 वाहन जब्त कर 14 अपराधियों को पकड़ा गया है। सबसे बड़ी कार्यवाही दोरनापाल और तोंगपाल थाने में हुई है, जहां 250 और 102 किलो गांजा पिछले 4 दिनों में जब्त हुआ था। सबसे अनोखा मामला तोंगपाल में सामने आया है, जहां तस्करों ने ऑटो के ऊपर ही केबिन बना रखा था, जिसमें गांजा रखा गया था। रायपुर में शुक्रवार को तलवारबाजी में ओलंपिक क्वालिफाई करने वाली भवानी देवी पहुंची। वो वहां फेंसिंग एसोसिएशन के चुनाव में हिस्सा लेने आई थी। देवी ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहले राउंड में जीत दर्ज कर ली थी, लेकिन अगला राउंड पार न कर पाने के कारण वो अंतिम 16 खिलाड़ियों में शामिल नहीं हो पाई थी। पर्यावरण एवं संरक्षण विभाग और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देश व मापदंडों की खुलकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। रेत घाटों में माफियाओं के द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है। पर्यावरण एवं संरक्षण विभाग के अलावा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों पर गौर करें तो 15 जून से 15 अक्टूबर तक पूरे 4 महीने नदियों से रेत उत्खनन कर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। इसके बाद भी घाटों में अंधाधुंध खुदाई हो रही है। छत्तीसगढ़ के कॉलेज संचालकों ने 37 नए फार्मेसी कॉलेज खोलने का आवेदन दिया था, जिस पर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने मान्यता देने से इनकार कर दिया है। चूंकि प्रदेश में 50 से अधिक फार्मेसी कॉलेज को मान्यता नहीं दिया जा सकता और छत्तीसगढ़ में ये संख्या 2 साल पूर्व ही पहुंच चुकी है। रायपुर में डेंगू के संक्रमण अब बढ़ते ही जा रहे हैं। शुक्रवार को 20 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। वहीं अब तक कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 250 से भी अधिक हो गई है। बता दें कि शहर के रामकुंड इलाके में सबसे ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। वहीं मामलों में कमी नहीं आने के कारण नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। नारायणपुर में नक्सली हमले के कारण ITBP के सहायक कमांडमेंट समेत 2 लोग शहीद हो गए। राज्य के नारायणपुर बारसपुर रोड पर नक्सलियों ने सुरक्षा बल पर हमला कर दिया, जिसमें से 2 लोग की मौत हो गई है। नक्सली हमला कर शहीद जवानों के हथियार और सामान लूटकर भी फरार हो गए हैं। अमरनाथ का थाना प्रभारी ने बताया कि अटारी गांव के पास सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति केरोसिन अपने घर में डंप कर ट्रक वालों को यह केरोसिन बेचता था। इसके बाद पुलिस ने वहां पहुंचकर छापामार कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है।